संगत जी, आई एम ऑडिबल? ओके, टुडे आई एम शेयरिंग माई सत्संग विद यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरु जी की मेरी लाइफ में कैसे एंट्री हुई। एक्चुअली 2016 में मैंने गुरु जी के बारे में पहली बार सुना था और देखा था कि लोग अपनी कार्स के पीछे गुरु जी के स्टिकर्स लगाते हैं, बट मुझे तब उतना पता नहीं था। मुझे इतना तो पता नहीं था, मैंने देखा कि लोग कार्स के पीछे गुरु जी के स्टिकर्स लगाते हैं, जय गुरु जी सबने लिखा होता है। तो मैंने तब गूगल पे सर्च किया गुरु जी के बारे में, बट मुझे इतना मैंने डिटेल में देखा नहीं। मैंने उस टाइम इग्नोर कर दिया और मैंने बोला, मैंने कहा आजकल तो सभी गुरु बैठे पड़े हैं, उसके लिए गुरु जी माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। तब मैंने ऐसे बोला क्योंकि मैं आपके बारे में जानती नहीं थी। एंड फिर 2019 में मेरी एक दीदी है, दीदी आंटी के घर, उनके घर शायद वर्षा हुई गुरु जी के स्वरूप से। एक्चुअली वो बड़े मंदिर से स्वरूप लाई थी, वो बहुत मानती है गुरु जी को, तो वो स्वरूप लाई बड़े मंदिर से। पर दो तीन दिन बाद ना अचानक ही सुबह 6 o'clock मॉर्निंग में उनके घर शायद वर्षा हुई, गुरु जी के स्वरूप से शायद निकल रहा। तब मेरा बिलीव बढ़ा गुरु जी पर, तब मुझे लगा कि हाँ गुरु जी है, ही सुप्रीम पावर, कुछ तो है उनमें कोई शक्ति। तो फिर कहते हैं ना, जब गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ना होता है वो तभी जोड़ते हैं जब गुरु जी ने हमें खुद से जोड़ना होता है। तो लॉकडाउन के दिनों में मेरे को गुरु जी का स्वरूप चाहिए था। मैं सोच रही थी कि गुरु जी का स्वरूप मैं अभी अपने घर लाऊं, तो पर लॉकडाउन चल रहा था, मिलना मुश्किल था स्वरूप ऐसे में बड़े मंदिर बन। तो मैंने कहा करूँ तो क्या करूँ, मैं सोच रही। फिर मैंने सोचा कि प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ कंप्यूटर से गुरु जी का, एंड अभी टेम्प्रेरी मैं वो रूम में लगा लूँगी। बट ये भी नहीं हुआ, कहते ना जैसे गुरु जी की मर्जी हो, इसमें शायद गुरु जी की मर्जी थी कोई, तो हुआ क्या, ये भी नहीं हो पाया। तो एक दिन सडनली मैंने यूट्यूब खोला, अचानक से यूट्यूब खोला तो मेरे सामने एक अंकल का नंबर शो हुआ ग्रुप का, उसमें लिखा था इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन गुरु जी ग्रुप दे कैन ज्वाइन। तो पहले मैंने सोचा, मैंने कहा कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है, तो मैंने पहले फ़ोन पर बात की अंकल से, बट वो अंकल ही थे, वो साहू की तरफ रहते हैं। तो उन्होंने ज्वाइन किया मेरे को गुरु जी के ग्रुप में, एंड देन ज्वाइन हुई मैं। तो उसमें ना किसी ने गुरु जी के स्वरूप डाले हुए थे, एक अंकल ने, वो प्रीतमपुरा रहते हैं, उन्होंने एक अंकल ने स्वरूप डाले हुए थे गुरु जी के, एंड देन मेरे को गुरु जी का ये स्वरूप मिला, ये वाला स्वरूप। इस तरीके से गुरु जी मेरे घर आए, मतलब गुरु जी ने मेरी सुन ली। मैं मन ही मन कहती थी कि मेरे को स्वरूप लाना है, स्वरूप लाना है, एंड गुरु जी ने सुन ली मेरी, इस तरीके से मेरे को ये स्वरूप मिला। फिर छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हुए, फिर हम सत्संग करने लगे गुरु जी के घर, अपने घर में ही। फिर वही गुरु जी की प्रेजेंस फील होती थी काफ़ी बारी। गुरु जी ने एहसास कराया कि वो तो हर पल है ही हमारे साथ। बट कहते ना, जब फर्स्ट टाइम जुड़ो तो क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि क्या है कौन है, तो बस वही थी। तो गुरु जी ने एहसास करवाया, इस बात का भी आंसर दिया गुरु जी ने। एंड फिर जब मैं ये स्वरूप लाई थी तो ये स्वरूप बिल्कुल प्लेन था, मतलब स्वरूप में कुछ नहीं था। और एक दिन मैं आरती कर रहे थे हम लोग बैठ के हमारी फैमिली, तो हुआ क्या, ये नीचे ना गुरु जी के स्वरूप से ये लाइन्स आपको दिख रही होगी संगत जी, ये गुरु जी के स्वरूप पे ना अंदर से ये लाइन, सॉरी संगत जी, तो आप ये लाइन्स देख रहे हैं गुरु जी की ना, ये फोटो पे लाइन्स अपने आप आई है। ये मैं इसको रब करती हूँ तो ये लाइन्स मिटी नहीं, और ये लाइन्स अभी तक एज इट इज है गुरु जी की फोटो पे। तो ये चंदन की तिलक की लाइन्स आई है फोटो के अंदर, अपने आप आई है, आप देख सकते हैं क्लियर है बिल्कुल। तो मैंने पूछा सबसे, तो ये कहते कि गुरु जी ने हमारे ऊपर कोई कष्ट आना था वो अपने ऊपर ले लिया बस। फिर इनके तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरी लाइफ में, अब तो सब कुछ मतलब गुरु जी के ऊपर ही छोड़ दिया कि जो करना आपने ही करना है, बस जैसे जैसे गुरु जी रखते हैं वैसे वैसे हम रहते हैं, वैसे वैसे हम चलते हैं। तो अब गुरु जी के ऊपर सब छोड़ रखा है। और एक बार भी सत्संग के टाइम में
एक्चुअली मेरे पास पहले जब स्वरूप आया तो उनके चरण स्वरूप नहीं थे सत्संग के टाइम, तो मैं गुरु जी को बोलती थी कि गुरु जी आपके चरण स्वरूप नहीं है मेरे पास, तो अगली बार जब मैं सत्संग करूँ तो आपको चरण स्वरूप होना चाहिए मेरे पास, मेरे को आपके चरण स्वरूप भी चाहिए। तो गुरु जी ने वो भी सुन ली मेरी, मैंने फेसबुक पे ना फेसबुक खोली, सडनली फिर वही अंकल का नंबर शो हुआ, एक विक्रम अंकल है उनका नंबर शो हुआ मेरी फेसबुक पे। देन उन्होंने मेरे को नंबर दिया कि आप इनसे मंगा सकते हो, तो मेरे को गुरु जी के चरण स्वरूप भी मिले, ऐसे करके चरण स्वरूप भी गुरु जी के मेरे घर आए। तो मतलब गुरु जी सुनते जरूर है, जो भी हम बात कहते हैं सुनते जरूर है, गुरु जी की स्वरूप से हम सब डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमें और किसी की जरूरत नहीं बीच में, गुरु जी सबकी सुनते हैं, गुरु जी सबको ब्लेस करे, बस यूँ ही जल्दी जल्दी ये कोरोना पीरियड भी निकाल दें, गुरु जी कोरोना टाइम भी फटाफट निकाल दें। एक्चुअली मैं तो उनके बड़े मंदिर भी नहीं गई कभी, कभी जाना ही नहीं हो पाया, मैं कभी नहीं गई बड़े मंदिर, पर गुरु जी की कृपा घर बैठे बहुत मिल गई, बहुत ज़्यादा गुरु जी की कृपा मिल गई घर बैठे, तो बस शुक्राना ही करती हूँ गुरु जी का हर पल कि गुरु जी मेरी लाइफ में एंटर हुए, कि गुरु जी मेरी लाइफ में एंटर हुए। तो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ मैं हर पल, इनके सत्संग बहुत है, तो ये ना सबको हमें भला मांगना चाहिए, हमें दोनों टाइम शुक्राना करना चाहिए दुख में भी और सुख में भी, कि गुरु जी ने जो किया थैंक यू गुरु जी आपने ये किया मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आई पर गुरु जी ने मेरे को उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल लिया, और गुरु जी ने बस मेरे को संभाल लिया, गुरु जी ने मेरी लाइफ बस अब तो सब कुछ गुरु जी के हवाले ही है बस। तो आप लोग भी गुरु जी को सरेंडर कर रही है, और एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी गुरु जी के बर्थडे पे। एक्चुअली गुरु जी के बर्थडे पे ना हम लोगों ने सत्संग कर रहे थे गुरु जी का, तो जब हम गुरु जी का सत्संग कर रहे थे ना, देन हुआ क्या, सडनली ना मेरे सामने वाली फ्लोर में आंटी रहती है, उन्होंने डोल बेल बजाई, मेरी मम्मी ने डोल बेल खोली, मम्मी ने कहा हाँ जी, तो वो कहती कि ना 100 रुपीज़ का नोट आपका गिरा क्या, हमने कहा नहीं हमारे तो किसी का नहीं है। फिर मम्मी ने अंदर आके पूछा सबसे जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह आए थे, तो वो नोट किसी का नहीं था, मतलब नोट था ही नहीं, वो पता ही नहीं आया कहाँ से नोट, तो हमने रख लिया, मतलब गुरु जी ने रिटर्न गिफ्ट दिया हमें अपने बर्थडे पे, 100 रुपीज़ गुरु जी ने रिटर्न गिफ्ट किए बर्थडे पे। सो गुरु जी तो बस कमाल ही कमाल करते हैं। बस ये मैं छोटा सा सत्संग था, अगर किसी और को सत्संग अपना शेयर करना तो वो कर सकता है। किसी और को अपना सत्संग करना, एनीवन शेयर कैन दे सत्संग। ओके कोई बात नहीं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पर शुक्राना आपका, बाबा शुक्राना।